दे दो। कोरोना के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 17 लोग संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए हैं, जबकि 12 लोग ठीक होकर अपने घरों की ओर गंतव्य की ओर गए। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा, इन 17 में भोपाल से 9 और इंदौर से 5, बाकी प्रदेश में सिर्फ अशोकनगर से 1 और 2 जबलपुर में, ऐसे 17 हैं। अब 124 कुल एक्टिव केस मध्य प्रदेश में कोरोना के बचे। संक्रमण दर हमारी 0.03% है, जबकि रिकवरी दर स्थिर 98.6 बनी हुई है। कल 56,633 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए। एक विषय और मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाहता हूं कि हमारे जो जवान हैं होमगार्ड के, SDERF के, ये दोनों जो जवान थे अभी तक इन्हें ड्यूटी के दरमियान में जैसे 8 घंटे हो जाते थे पूर्ण, तो नाश्ता और भोजन वगैरह नहीं मिलता था। तो इस बार के बजट में हम 25-25 लाख का दोनों के लिए, SDERF के लिए और होमगार्ड के जवानों के लिए प्रावधान कर रहे हैं कि अब इन्हें नाश्ता और भोजन भी दोनों मिलेगा। कमलनाथ जी के कोरोना के जो प्रतिबंध 17 नवंबर को CM ने हटाए थे, वो अगर नहीं हटाते तो स्थिति ये नहीं बनती, लगे रहने देना चाहिए। कोरोना का नहीं मालूम उनको, एक जगह कहीं वैक्सीनेशन सेंटर पे नहीं गए, एक जगह कहीं हमारे जो सेंटर थे कोरोना के वहां नहीं गए, अस्पताल में नहीं गए, खाद्यान्न वितरण में नहीं गए, सिर्फ ट्वीट करने तब किया, ट्वीट अब कर रहे। कमलनाथ जी को मैं समझता हूं कि इसकी जानकारी ले लेना चाहिए, जनहित भी हमारे लिए सर्वोपरि है और लोगों का स्वास्थ्य भी सर्वोपरि है। दोनों का बैलेंस मिला के हम आगे बढ़ रहे हैं। आज कोरोना के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक लेने वाले हैं तत्काल, और संक्रमण की दृष्टि से इसे रोकने के लिए जो आवश्यक है वो निर्देश हम देंगे। जिलावार आवश्यकताओं के अनुसार हम उपाय भी आज करेंगे। मेरा भी आप सब मीडिया बंधुओं से निवेदन है, बाकी सबसे निवेदन है कि इस मास्क को जरूर पहने, वैक्सीन लगवाए और 2 गज की दूरी बनाकर जो हमारे कोरोना के नियम है उनका पालन करें। सर, प्रशिक्षण हो रहा है आज कि सरकार के खिलाफ किस तरीके से माहौल बनाना है, महंगाई को लेकर जनजागरण अभियान चलाने के लिए जो दे रहे हैं प्रशिक्षण, पहले ये तो देख लो कि वो प्रशिक्षित है कि नहीं। ये नहीं, अब महंगाई के खिलाफ दे रहे हैं सर। 1980 में नारा दिया था महंगाई हटाने का, मैं अंदर लाओ गरीबी हटाओ, कांग्रेस लाओ महंगाई हटाओ, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ। और जब तक इनकी सरकार रही इनने कभी महंगाई नहीं हटाई, गरीब नहीं हटाए, गरीब हटते चले गए, गरीबी नहीं हटी। ये कांग्रेस है वो अब महंगाई पे बात कर रही है ना, अचंभे वाली बात। जब खुद आए थे तो पेट्रोल के दाम बढ़ाए, डीजल के दाम बढ़ाए। इन्हीं कमलनाथ जी ने घोषणा पत्र में कहा था कि हम कम करेंगे, लिखित में झूठ बोलने वाली पार्टी अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है जिसने घोषणा पत्र में लिखा और उल्टा किया। इस विषय पर लगातार चिंतन चल रहा है, मैं समझता हूँ अति शीघ्र यह लागू हो जाएगी। यहाँ भी वितरण की दिक्कत देखिए, अलग अलग जिलों में अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर इस तरह की आती है वहाँ समाप्त भी हो जाती है, कहीं भी कोई जिला निरंतर नहीं इसमें चल रहा है, और इसलिए देवास की भी समस्या है, ध्यान देंगे और समाप्त करेंगे। किसानों को जो अपराध दर्ज हुए थे वो वापस लिए जाएंगे, केंद्र सरकार ने कहा। कौन से केंद्र सरकार जो कहेगी उसका अक्षर से पालन करेंगे, जो आंदोलनरत है किसान, जो भी केंद्र सरकार कहेगी उसका अक्षर से पालन करेंगे।
सर PFI जैसे कई NGO से जो फॉरेन पड़े हुए हैं गलत उपयोग करते हैं उसको लेकर क्या नीति है सर? मैं जी राज की बात धर्मांतरण की शिकायतें PF आपकी की फंडिंग की शिकायतें PFI की शिकायतें हमें अभी जब इंदौर और उज्जैन की घटनाएं सामने आई थी उस वक्त प्रकाश में आई थी। इससे जुड़े NGO से जुड़े अलग अलग प्रकार के विषय और भी संज्ञान में आए। हम विदेश से आने वाले इस फंड की जांच भी कर रहे हैं कि जो फंड आता है वो सकारात्मक दिशा में लगता है या नहीं लगता है। ऐसा तो नहीं है कि कोई गलत समाज तोड़ने वाले दिशा में काम करता हो, किसी और के एडवर्टाइज में काम करता हो। तो इसलिए इन सब विषयों को जांच में लिया है और मेरी मान्यता है कि जल्दी जांच रिपोर्ट आने पर आगे कार्रवाई करेंगे।